कथा एक कन्याकुमारी में भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कन्याकुमारी में होता है। आपका दूसरा सवाल है, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पर आता है? आपके विकल्प हैं ए इटली में, बी जापान में, सी अमेरिका में, डी भारत में। आपका सही विकल्प है बी जापान में। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है। आपका तीसरा सवाल है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? आपके विकल्प हैं ए नहरें, बी तालाब, सी कुएं, डी नलकूप और कुएं। आपका सही विकल्प है डी नलकूप और कुएं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप और कुएं हैं। आपका चौथा सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके विकल्प है ए 8 अगस्त, बी 8 सितंबर, सी 8 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प है बी 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आपका पांचवा सवाल है, ताजमहल को किस मिस्त्री ने बनाया था? आपके विकल्प हैं ए मोहम्मद शाह, बी जसवंत खान, सी उस्ताद अहमद लाहौरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही विकल्प है सी उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका छठवां सवाल है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी कर्नाटक, सी केरल, डी असम। आपका सही विकल्प है बी कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। आपका सातवां सवाल है, विश्व का सबसे कठोर कानून किस देश का माना जाता है? आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी नॉर्थ कोरिया, सी सऊदी अरब, डी भारत। आपका सही विकल्प है सी सऊदी अरब। विश्व का सबसे कठोर कानून सऊदी अरब का माना जाता है। आपका आठवां सवाल है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? आपके विकल्प हैं ए सरदार बलदेव सिंह, बी कैलाश नाथ काटज, सी इंदिरा गांधी, डी जगजीवन राम। आपका सही विकल्प है ए सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। आपका नौवां सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी न्यूजीलैंड, डी भारत। आपका सही विकल्प है ए अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक वेतन अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। आपका दसवां सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके विकल्प हैं ए
गोदावरी नदी, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी, डी गंगा नदी। आपका सही विकल्प है बी नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका 11वां सवाल है, गोल गुंबद किसने बनवाया था? आपके विकल्प हैं ए शेरशाह, बी सुल्तान नादिर शाह, सी ग्यासुद्दीन तुगलक, डी बाबर के याकूत। आपका सही विकल्प है डी बाबर के याकूत। गोल गुंबद बाबर के याकूत ने बनवाया था। आपका 12वां सवाल है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? आपके विकल्प हैं ए बाबर ने, बी अकबर ने, सी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने। आपका सही विकल्प है सी शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। आपका 13वां सवाल है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके विकल्प हैं ए मुंबई, बी मद्रास, सी अहमदाबाद, डी नई दिल्ली। आपका सही विकल्प है बी मद्रास। भूमि विकास बैंक की स्थापना मद्रास में हुई थी। आपका 14वां सवाल है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल में, बी सिक्किम में, सी उत्तराखंड में, डी केरल में। आपका सही विकल्प है डी केरल में। भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। आपका 15वां सवाल है, सबसे अधिक अंडे देने वाली पक्षी कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए कौरैया, बी कबूतर, सी भूरा तीतर, डी कोयल। आपका सही विकल्प है सी भूरा तीतर। सबसे अधिक अंडे देने वाली पक्षी भूरा तीतर है। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य रखें। आपका 16वां सवाल है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपके विकल्प हैं ए 22 दांत, बी 38 दांत, सी 47 दांत, डी 82 दांत। आपका सही विकल्प है सी 47 दांत। मच्छर के मुंह में 47 दांत पाए जाते हैं। आपका 17वां सवाल है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए भारत, बी बांग्लादेश, सी ब्राजील, डी स्पेन। आपका सही विकल्प है बी बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। आपका 18वां सवाल है, किस फल को खाने से खून साफ हो जाता है? आपके विकल्प हैं ए अनार, बी पपीता, सी नाशपाती, डी अंगूर। आपका सही विकल्प है सी नाशपाती।
निम्नलिखित में से नाशपाती फल को खाने से खून साफ होता है? आपका 19वां सवाल है, दक्कन का पठार कितने राज्यों में है? आपके विकल्प हैं ए 8 राज्यों में, बी 6 राज्यों में, सी 3 राज्यों में, डी 5 राज्यों में। आपका सही विकल्प है ए 8 राज्यों में, दक्कन का पठार 8 राज्यों में है। आपका 20वां सवाल है, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए मंगलवार ग्रह, बी पृथ्वी ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, डी शुक्रवार ग्रह। आपका सही विकल्प है सी बृहस्पति ग्रह। आपका 21वां सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 5 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 14 नवंबर, डी 24 सितंबर। आपका सही विकल्प है ए 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सवाल आप लोगों के लिए है। हाल ही में बाल दिवस कब मनाया गया है? ए 1 नवंबर को, बी 5 नवंबर को, सी 10 नवंबर को, डी 14 नवंबर को। इस सवाल का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।